मैं आपको एक अंश कविता का अंश सुनाता हूँ, मुझे लगता है मैं ये सुना सकता हूँ यहाँ पे, ये क्या है। इस कविता का जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, इस कविता का जन्म अमेरिका में हुआ था। देखो उस कविता के पहले आप देखिए, हम लोग जो मीडियम क्लास की जो आपने बात की साहब, वो चार पंक्तियां सुनाता हूँ आपने, बहुत बढ़िया बात की। हम और आप तमाम लोग मिडिल क्लास जिंदगी जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं, चले जो होली हो तो हम फाग महोत्सव मनाते हैं, दिवाली हो तो लक्ष्मी पूजन करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। हमारे यहाँ सुबह चूल्हा जलता है तो हमें ये पता नहीं होता कि शाम को चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। देश का 80% सच ये है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता देश का सच नहीं है। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा, ये हमारा सच है। लेकिन उस सच के बावजूद भी हम सब लोग सारे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मस्त रहते हैं। उस मस्ती में हम जिंदा रहते हैं, तब इस देश की मस्ती के नाम चार पंक्तियां कहता हूँ। हमारी जिंदगी है क्या? हम तमाम लोग कहाँ से निकल के आए कि सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना हमारी जिंदगी है क्या? मैं खुद जाता था साहब हैंडपंप में पानी भरने के लिए, सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। मैं एक कविता का अंश सुनाता हूँ, है ना। इस कविता का जन्म अमेरिका में हुआ था, ह्यूस्टन अमेरिका में एक जगह है, टेक्सस एक प्रांत है। अगर आपने नहीं भी सुना हो तो हाँ भरो, हाँ अपनी इज्जत रहती है, अपने को सब आता है। अपन हिंदुस्तानी लोग कार में एसी भी नहीं हो तो भी चारों पांच बंद रखते हैं, भले अंदर पसीना पहुंच रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अपने को नहीं आता। और हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया तरीका जब नहीं आता, अभी भी जुबान पे था, कोई चीज नहीं आती, अभी भी याद था यार, यही होता है अपना हिंदुस्तान। इस टेक्सस में हुआ था, और क्यों हुआ इस कविता का जब सुनना, आज बड़ा अच्छा अंश सुनाता हूँ। ये जो आप होली का उत्सव मना रहे हैं, इससे बढ़िया सुना नहीं सकता। हाँ आप आराम से, ये दादा और पोता साथ जा रहे हैं साहब, इससे बढ़िया इस देश में कोई दृश्य हो नहीं सकता हिंदी कवि सम्मेलन के लिए। दो पीढ़ी के लोग हिंदी कविता में साथ सुनना, इससे ये दतिया के आप, मैं बता रहा हूँ सब आपकी संस्कृति में प्रणाम करना चाहता हूँ, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये दृश्य मेरे लिए बहुत अद्भुत है, वरना आजकल के बच्चे तो कमाल के हैं साहब, इतने कमाल के बच्चे हैं। वो पिता खाना खा रहा था, पिता और बेटा, तो पापा बोले पापा चुप, पापा चुप, पापा खाते वक्त बोलना नहीं चुप, फिर खाना खत्म किया, आप बोल क्या कह रहे थे, आपकी दाल में कॉकरोच था। बड़ा कमाल था वो छोकरा, सिगरेट पी रहा था, पिताजी आए तो जेब में डाल ली, अब तो धुआं तो धुआं रास्ता ढूंढ लेते हैं, इश्क हो धुआं हो रास्ता ढूंढ ही लेता है अपना, वो छुपता थोड़ी है। तो धुआं सिगरेट पी डाल ली, पिताजी आए धुआं देखा सिगरेट पी रहा, तो नहीं सवाल ही नहीं, बोले फिर यहां से धुआं कैसे निकल रहा है, बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली। कमाल लोग हैं। तब ह्यूस्टन टेक्सस में मैं काव्य पाठ कर रहा था नरोत्तम भाई, और जब काव्य पाठ कर रहा था तो जैसे हम बात हैं, हम देश की बात करते हैं, देश हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होनी भी चाहिए, हम हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुआ है, इसकी रज में पैदा हुआ है, हमें ईश्वर का सबसे बड़ा आभार तो इसी बात का प्रकट करना चाहिए कि हमें इस देश में पैदा किया, इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। तो माइक पे खड़े होकर बात कर रहा था, एक लड़का मुझे आके मिला, नहीं आप अपनी तालियां बजा के रखिए, कोई बात मस्त रही है, जैसे हंसे ठाके लगाए वही करिए, मैं इनकी तरह नहीं हूँ, भिखारियों की तरह, संजय की तरह नहीं आए, अनाथा है खोल रखा है, मस्त रहो। नहीं मेरे बहुत छोटे भाई हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। तब मैं कहता हूँ, जब टेक्सस में काव्य पाठ कर रहा था तो करने के बाद नरोत्तम भाई एक लड़का आया, आप मेरी पीड़ा से जुड़ना, दर्द से जुड़ना और मजा लेना, आनंद लेना और अपनी ऊर्जा बचा के रखना। लड़का आया और मुझे कहने लगा, विष्णु भाई मुझे कहने लगा कि माइक पे खड़े होकर बहुत तारीफ करते हो, तुम्हारा हिंदुस्तान ये है, तुम्हारा हिंदुस्तान वो है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? मेरी जगह आप होते तो आपको भी चोट लगती, आपको भी दर्द होता, मुझे भी बहुत दर्द हुआ, मुझे भी बहुत चोट लगी कि मेरे मुल्क में रखा क्या। लेकिन मेरे दर्द का कारण समझना कि पीड़ा क्यों हुई, मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है, ये कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था, एक हिंदुस्तानी जिसके शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी माँ का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके बस के अपने ही देश वाले को ये कहे कि तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है, तब कितनी पीड़ा हुई होगी। तब एक कहानी पर अपनी कविता की आत्मा टांगता हूँ कि आखिर क्यों लिखनी पड़ी मुझे इस कविता, उसका एक अंश सुनाता हूँ कि आखिर ये पीड़ा क्यों हुई। पीड़ा इसलिए हुई कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, निर्जीव चीजें भी बात करती है,
लोहा सोना आपस में बात कर रहे थे, तो सोने ने लोहे से कहा कि यार लोहे तू लोहा है, मैं सोना हूँ, तुझे लोहार बनाने के पहले ठोकता पीटता है। पढ़े लिखे लोग आप जानते हैं कि उसको आग में तपा के लोहे को अपन ठोकते पीटते हैं, सोने के साथ भी यही किया जाता है। तो सोने ने लोहे से कहा कि तुझे बनाने के पहले लोहार ठोकता पीटता है, तो तू इतना चीखता चिल्लाता क्यों है? मुझे भी सोनार ठोकता पीटता, लेकिन मैं तो इतनी आवाज नहीं करता, चुप रहता हूं। तो लोहे ने जो सोने को जवाब दिया, वो मेरी आत्मा की चीख थी। लोहे ने सोने से कहा कि सोने तू सोना है, सुनार तुझे ठोकता है लोहे की हथौड़ी से, तेरी चोट तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात,